Good morning, students. Welcome to my channel. Today in this class, we are going to do question answers of poem invictus of your new English fairy book. Exercise A under section reading comprehension. Answer these questions within 20 words. Question number one is: why does the speaker wish to thank the gods? The speaker, speaker Yani poet. Poet Yahapar. सभी ईश्वरीय शक्तियों को धन्यवाद क्यों देना चाहता है आंसर पोएट विशेष टू थैंक द गॉड्स बिकॉज गॉड हैज गिवन हिम अनकॉन्करेबल सोल पोएट सभी शक्तियों को धन्यवाद देना चाहता है अपने ईश को धन्यवाद देना चाहता है क्योंकि उसने उसे ऐसा सोल दिया है ऐसी आत्मा दी है जो अनकॉन्करेबल है अनबीटेबल है जिसे हराया नहीं जा सकता यानी कभी हार ना मानने वाली आत्मा उसे दी है, इसके लिए वो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता है क्वेश्चन नंबर टू वॉट स्पीकर मीन वेन ही से माई हेड इज ब्लडी जब स्पीकर कहता है कि माई हेड इज ब्लडी तब यहाँ पर उनका क्या अर्थ है क्या तात्पर्य है आंसर इज द स्पीकर मीन्स टू से दैट दैट ही इज गोइंग थ्रू समथिंग हर्ट्स हिम स्पीकर यहां पर ये यह कहना चाहते हैं वो किसी ऐसी चीज से गुजर रहे हैं जो उन्हें चोट पहुंचाती है क्वेश्चन नंबर थ्री वट द वर्ड गेट इन द पोम सिग्निफाई पोम में जो शब्द गेट है वो क्या सिग्निफाई करता है किस चीज के लिए यूज हुआ है आंसर इज द वर्ड गेट इन दोम सिग्निफाइज लाइज इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर पोम में जो वर्ड गेट है वो बताता है कि स्पीकर के सामने जो आने वाला रास्ता है वो बहुत कठिन है और संकरा है so students that's all for today i hope you have understood question answers of this poem if you like the video then don't forget to press on like comment share and subscribe see you soon till then bye-bye have a good day